हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है SEO और PPC वर्सेस पे, लाइक कि SEO और PPC में क्या डिफरेंस है। सपोज हम अपनी वेबसाइट के लिए SEO शुरू करवाते हैं तो हमें उससे क्या बेनिफिट होता है और PPC से हमें क्या बेनिफिट होता है। जो SEO होती है वो एक पेड मार्केटिंग नहीं होती, वो एक ऑर्गेनिक रिजल्ट लेके आती है हमारी हमारे चैनल हमारे वेबसाइट के लिए, और वो हमारी वेबसाइट के लिए अवेयरनेस बढ़ाती है। लाइक हम अलग अलग जगह हमारी वेबसाइट को सबमिट करते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है कि हाँ इस नाम का ब्रांड भी है। तो हमारी ब्रांडिंग होती है, अवेयरनेस होती है और एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है SEO में, कि अपने आप को सिर्फ ये नहीं बोलना कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको पहले उनका फ़ायदा बताना कि आपको ये करने से आपको ये फ़ायदा होगा, ये करने से आपको ये फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपका ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, तभी लोग आपकी वेबसाइट में आएंगे, राइट। फिर उसके बाद SEO का पहला काम होता है वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना। ट्रैफिक बहुत ज़रूरी है वेबसाइट पर आना, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे, तभी आपकी लीड्स आएंगी, तभी आपकी लीड्स कन्वर्ट होंगी। अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आया, SEO के बिना बहुत कम ट्रैफिक आता है, और अगर हम SEO करवा रहे हैं तो हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफ़ी अच्छे से आ जाता है। और फिर आता है कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सपोज हम 6 महीने से या साल से या 5 साल से अपनी SEO करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट का ऊपर आना बहुत अच्छे से मतलब वहीं पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है SEO के कारण, कि हमारी वेबसाइट अप डाउन तो होती रहती है पर उसके पीछे बहुत सारे बैकलिंक्स तो बने होते हैं जो कभी डिलीट नहीं हो सकते। अगर कोई इंसान खुद डिलीट करेगा तभी वो डिलीट होंगे। फिर आता है कि मोर क्लिक्स, अगर हमारे क्लिक्स कैसे आएंगे, अगर हम अलग अलग जाकर फेसबुक पर जाकर, ट्विटर पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर हमारी वेबसाइट की प्रमोशन करेंगे, SEO करेंगे, या फिर छोटी छोटी वेबसाइट जैसे रेडिट पे जाके, और भी कई वेबसाइट है, सोशल सोशल बुक मार्किंग की साइट्स हैं, उस पर जाकर अगर हम अपनी वेबसाइट की प्रमोशन नहीं करेंगे तो हमारे हमारी वेबसाइट पे ना तो क्लिक आएंगे ना फिर हमें हमें कोई जान पाएगा कि हाँ ये वेबसाइट भी हमारी हमारे इस कंट्री में एग्जिस्ट करती है या फिर इस स्टेट में या फिर इस विलेज में एग्जिस्ट करती है। तो हमें SEO करवाना बहुत ज़रूरी है। इसका स्कोप क्या है? स्कोप बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इवन कि मोदी जी ने हमें बोला है कि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो एक डिजिटल वर्ल्ड होगा, जो कि अभी ही बन चुका है। अब अभी ही लोग डिजिटली सब कुछ पे कर रहे हैं, डिजिटली अपना क्लासेस ले रहे हैं, डिजिटली सब कुछ अपना काम कर रहे हैं, राइट। तो SEO भी उसी बेस पर काम करती है कि ये डिजिटली ही आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए, आप आराम से अपनी SEO को कर सकते हो। सेकेंड थिंग है PPC। PPC में क्या होता है कि हम पेड मार्केटिंग करते हैं। पेड मार्केटिंग की गूगल को हम पैसे देते हैं कि तुम मेरी वेबसाइट को पहले नंबर पे या थर्ड पोजीशन पे या सेकेंड पोजीशन पे ला दो, ठीक है। तो पर उसमें क्या होता है कि आपके पैसे कटते हैं। ये PPC एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी एड कैसे जनरेट करता है कि पैसे कम लगे। इसमें क्या होता है कि पैसे कम भी लग सकते हैं, पैसे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो PPC और SEO में यही डिफरेंस है कि PPC एकदम से आपकी वेबसाइट को ऊपर ला देगी पैसे देकर गूगल को, ठीक है। PPC में आपका कंट्रोल कॉल्स पर, मैसेजेस पर, लोकेशन पर, कौन सी लोकेशन से आपको ट्रैफिक आ रहा है या फिर कौन सा मैसेज किस ऐड से आपको आया, ये सब आप देख सकते हैं। आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है, आपको कॉल्स ज़्यादा आती हैं PPC करवा कर। SEO करवा कर भी कॉल्स आती हैं पर PPC से आपको उस टाइम तक जब तक आप पैसे पे कर रहे हो गूगल को, आपको कॉल्स बहुत आएंगी। अब
वो कन्वर्ट करना एक एक चैलेंज है एक इंसान के लिए, कि उसको कन्वर्ट करना आपके हाथ में है, पर आप पीपीसी से कॉल्स बहुत लेकर आ सकते हो। उसको एक लीड में कन्वर्ट करना एक इंसान के हाथ में है, पर पीपीसी से आपको बहुत अच्छी कॉल्स आती हैं। आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी भी अच्छी होती है पीपीसी से। आपको अपने बजट पे कंट्रोल भी कर सकता है जो पीपीसी एक्सपर्ट होता है, जो एड लगाता है। जैसे पीपीसी एक्सपर्ट होते हैं, उनको एक बजट कंट्रोल की भी ऑप्शन होती है जब वो एड लगाते हैं। तो वो ये एड लगा सकते हैं कि एक दिन में मेरे इतने ही पैसे कटने चाहिए, तो उतने ही कटते हैं। और अगर उस स्ट्रेटजी से उसको नहीं बेनिफिट हो रहा, तो उसको चेंज भी करना पड़ता है वो बजट अपना कंट्रोल, जो उसने बजट कंट्रोल लगाया है अपनी ऐड पर, उसको वो कंट्रोल चेंज करना पड़ता है। फिर आता है कि आपकी टारगेटिंग, आप किस लोकेशन पर टारगेट करना चाहते हो, किन इंसानों को आपको टारगेट करना है, कि आपकी वेबसाइट का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आपको कौन से इंसान चाहिए आपकी वेबसाइट पर, कौन सी लीड चाहिए। तो आपसे टारगेटिंग पीपीसी से टारगेट भी कर सकते हो कि लोग किस कीवर्ड को देखकर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड इंसान सर्च करता है गूगल पर, तो पीपीसी से हम वही टारगेट ज़्यादा करते हैं, वही हम बार बार लेते हैं, ताकि हमारी टारगेटिंग ज़्यादा हो सके। फिर नेक्स्ट आता है स्पीड। हमारी स्पीड बढ़ जाती है वेबसाइट की भी, और हमारे लैंडिंग पेजेस की स्पीड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और पेड मार्केटिंग से हमें लीड्स की स्पीड भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। अगर हमारे पीपीसी एक्सपर्ट को ये नहीं पता कि किन कीवर्ड से उसको बेनिफिट हो सकता है, उसके क्लाइंट को बेनिफिट हो सकता है, कि अगर कोई कीवर्ड हम लगा रहे हैं, अगर उससे कोई इंसान सर्च ही नहीं कर रहा, फिर भी उसने उस कीवर्ड पर अपनी एड लगा दी है, तो उसको बेनिफिट नहीं आएगा। तो ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस होती है, उसको कीवर्ड प्लानर में जाकर ये सर्च करना पड़ता है कि कौन सी लीड उसको किस कीवर्ड से, कौन सी लीड कितने की पड़ेगी। तो उस हिसाब से उसको अपनी मार्केटिंग इंटेलिजेंस से ये सब रिसर्च करके उसको अपना रिजल्ट देना होता है। तो पीपीसी का काम इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पर उसको पूरा रिसर्च करके फिर अपनी एड लगानी पड़ती है। पूरा लैंडिंग पेज उस हिसाब से बनाना पड़ता है, पूरे उसके कीवर्ड्स वैसे लगाने पड़ते हैं, उसका पूरा मतलब रिसर्च पावर बहुत लगती है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत लगती हैं। पर एसईओ में हम रोज़ वो चीज़ करते हैं, हम अपना रोज़ कीवर्ड को टारगेट करते हैं, उसमें भी हम टारगेट कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और उससे ऑर्गेनिक रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। राइट, फिर हमारी होती है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग पीपीसी में बहुत ज़रूरी है। हम जौन सा लैंडिंग पेज बना रहे हैं अपनी पीपीसी ऐड के लिए, या फिर कौन सा हम इमेज लगा रहे हैं, या फिर कुछ भी हम जो भी कर रहे हैं, ए बी टेस्टिंग वो सब टेस्ट करता है पहले कि हाँ, ये पर्टिकुलर ऐड आपकी ऐड के लिए सही भी है या नहीं, आपकी ऐड के लिए ये इमेज सही भी है या नहीं, ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज आपकी ऐड के लिए सही भी है या नहीं। और उसके बाद आता है आपकी कॉस्ट, आपकी कॉस्ट हायर जा रही है या स्मॉलर जा रही है, ये सब पीपीसी एक्सपर्ट पर डिपेंड करता है। और साथ ही वो कीवर्ड जो आपने लगाया होता है, वो कितना कितना हाई लेवल कीवर्ड है, कितना उसको पैसा ज़्यादा चाहिए, इससे हमारा जो पैसा है वो ब्लीड भी कर सकता है। सो पीपीसी एक्सपर्ट को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको पैसा कैसा लगाना चाहिए, किन कीवर्ड्स पे लगाना चाहिए, तो क्या इससे हमारा पीपीसी से पैसा बहुत ब्लीड हो सकता है अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से नहीं लगाता। पर एसईओ में हमारा कोई पैसा नहीं लगता, हमारा बस रोज़ की मेहनत लगती है। हमें कीवर्ड निकाल कर एक बार रख लेने हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और उस पर रोज़ एसईओ करवानी है। एसईओ पर सिर्फ हमारे एम्प्लॉय के पैसे लगते हैं, एम्प्लॉयज़ जो हमारी एसईओ पे वर्क कर रहे हैं, उनका उनको रखने के पैसे लगते हैं हमें। पर पीपीसी में हम जितने हम गूगल को पैसे देंगे, उतने हमें रिजल्ट मिलेंगे, पर इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि हमें एसईओ करवानी चाहिए या पीपीसी करवानी चाहिए। तो
मेरा ये मानना है कि एससी और पीपीसी दोनों कॉस्ट इफेक्टिव हैं। किसी में नहीं पता कि आपको कि कितनी देर करवाना है, कितना आपको करवाना है, राइट? तो हमें कॉस्ट का नहीं पता एससी और पीपीसी में कितने कितना कम लगेगा। तो हमें दोनों ही करवानी चाहिए, हमें दोनों एससीओ एंड पीपीसी दोनों ही अपनी वेबसाइट पे करवानी चाहिए। एससीओ से जब आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाए, जब आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेजेस पे लैंड होना शुरू हो जाए, उस टाइम आपको पीपीसी शुरू करवा देनी चाहिए ताकि आपको रिजल्ट्स इंस्टेंट आने शुरू हो जाए, राइट? तो पीपीसी एक्सपर्ट हमारी सीपीसी पीपीसी सब चेक करके अपनी एड्स लगाता है, फेसबुक एड्स लगाता है, मोबाइल डेस्कटॉप एड लगाता है, तो इस हिसाब से हमें वो एड लगानी चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपको ये चार्ट बनाकर, ये आपके सामने ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स जो आपको समझाए हैं या फिर मैंने ऑनलाइन बोले हैं आपको वीडियो में, वो सब मैंने लिखा भी है कि एसईओ से हमें क्या बेनिफिट है और पीपीसी से हमें क्या बेनिफिट है। ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट को बढ़ाता है और वो हमें पेड मार्केटिंग में काम आता है। ये सब पॉइंट्स आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछेंगे कि एसईओ और पीपीसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें वो ये भी पूछ सकते हैं कि एसईओ और पीपीसी से हमें हमें क्या फ़ायदा होगा, आपको कितना आप कितना लीड्स लेके आ सकते हो। तो हमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। और सेकंड थिंग, एससीओ और पीपीसी से हमें हम दोनों में से पीएससीओ और पीपीसी में कौन सा हमें करवाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि एससीओ और पीपीसी को दोनों ही करवाना चाहिए, दोनों इकट्ठे ही करवाने चाहिए। पर एससीओ से जब आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं 3 या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, आपका वेबसाइट ऊपर आना शुरू हो जाता है, उसके बाद हमें पीपीसी शुरू करवा देनी चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा वीडियो सुना। और प्लीज़ मेरे को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।